चलो, वी वर डूइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो मैंने आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंस में बताया था, वेयर वी टेक द सिस एंड द ट्रांस कॉन्फिगरेशंस. सिस कॉन्फिगरेशंस ली थी हमने, ठीक है, तो उसमें हमने स्टेबिलिटी बताई थी. सेकेंड इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर. बहुत ज्यादा ये मैं आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, वो भी आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे, ठीक है. तो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, जब आपका ये टॉपिक अगेन रिपीट होगा तो हम वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में करेंगे, राइट. बट अभी यहाँ पे आप सिर्फ ये समझ लो कि वी आर हैविंग द बेंजीन रिंग. और मैंने आपसे कल पूछा था कि बेंजीन रिंग की ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन कौन सी होती है. सो दिस इज द ऑर्थो पोजिशन एंड दिस इज द पैरा पोजिशन, ठीक है. ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर कोई भी आपका एक ग्रुप लगा दिया, सपोज मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिया है, CH3 ले लेते हैं, ठीक है. इस CH3 के कारण दिस इज इन द डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और ये आपका प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस होगी इस CH3 के कारण, देखिए नो बॉन्ड रेजोनेंस होगी ना CH3 के कारण. जहां पर इसका ये बॉन्ड आगे हमने ट्रांसफर कर देना है, और ये बॉन्ड हमने आगे ट्रांसफर कर देना, ऐसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं ना नो बॉन्ड रेजोनेंस में. देखो ध्यान से, कल मैंने आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें हमने यही किया था, राइट. तो ऐसे ही जब आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे इसके, ये मैं अभी आपको क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसके 4 to 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट वो अभी हमने नहीं डिस्कस करने, ठीक है. ऐसे ही जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाना, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर ये चार्ज जो है वो आगे मूव करता रहता है. सिमिलरली यहाँ से ये आगे मूव करेगा और दोबारा अपनी सेम पोजिशन पे आएगा, तो वी विल बी गेटिंग अ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है. तो आप देखोगे एक बार ये डबल, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पोजीशन पे आया है, विच इज दिस पोजीशन. और जैसे ही आप आगे आगे शिफ्टिंग करते जाओगे, यहाँ पर देखो सेकंड शिफ्ट में ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन. तो यू विल सी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है डेट विल बी अकोमोडेटिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एवरी टाइम. ये आगे भी आप शिफ्ट करोगे अगेन ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, ठीक है. तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई और एक पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, राइट. तो हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू दिस नो बॉन्ड रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज एक्सेसिवली अकोमोडेटेड ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जिसके कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके पास नहीं इलेक्ट्रॉन्स है, वो किन पोजीशन पे आके अटैक करेगी, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन. So this is the effect of ortho-para directing nature. ठीक है? No bond resonance के कारण whenever you are having plus I group attached to the benzene ring, तो वो benzene ring को किन दो positions के लिए activate कर देती है? सिर्फ ortho और para positions के लिए activate कर देती है. Okay? We are on the ortho and the para positions, we will be having the negative charge. और जो incoming आपकी चीज है, जिसके ऊपर positive charge है, ठीक है, वो किन दो पोजीशन पे ही आके लगेगी, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जहां पर एक्सेस चार्ज है. ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट. अब आप देख सकते हो कि पहले ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था. ओके, ड्यू टू नो बॉन्ड रेजोनेंस ये दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड. एंड यू हैव स्टडीड दैट द सिंगल बॉन्ड जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द डबल बॉन्ड. बताया था मैंने आपको, एक बड़ी पेंसिल ले लो, उसको आप इजीली तोड़ सकते हो, ठीक है. बट अगर आपने एक छोटी पेंसिल ली है डेट विल नॉट बी इजीली ब्रेक. क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है. सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ड्यू टू दिस नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसके कारण उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है. सो दीज आर द 3 सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट.
शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल में कन्वर्ट हो गया इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। फिर हम रिलेटिव स्टेबिलिटीज देखते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप वाले अटैच्ड हैं, ओके, इफ वी आर हैविंग द मोर एथाइल ग्रुप्स और मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सिस्टम, देन मोर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ओके। और थर्ड है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होती है एज कम्पेयर टू द मेटा पोजिशंस, ओके। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, अब इफेक्ट्स खत्म हो गए हैं, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। राइट डाउन नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फ्यूजन, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फ्यूजन। यहां पर फ्यूजन का मतलब है टूटना, राइट right? हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, हम उसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट क्लीवेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट बॉन्ड ब्रेकेज, ओके। सो दो तरह से जो आपका बॉन्ड है वो ब्रेक कर सकता है, आइदर ड्यू टू द होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिशन, एंड द सेकेंड इज हेट्रोलिटिक फिशन, एंड द सेकेंड इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक फिशन। होमो में क्या है, होमो मीन्स सेम, इसमें वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है हमारे बीच में एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड के हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, एक इलेक्ट्रॉन तुम रख लो, एक इलेक्ट्रॉन मैं रख लेता, ओके। सो ड्यू टू विच हमारे पास जो स्पीशीज आती हैं डैट कंसिस्ट ऑफ ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड पेयर है ना इलेक्ट्रॉन का, वन है, वन इलेक्ट्रॉन्स हम नॉर्मली हम स्टडी नहीं करते हैं, वन थ्री ऐसे इलेक्ट्रॉन्स वाले पेयर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज वेयर बोथ द बॉन्डेड एटम्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड दे गेट सिंगल सिंगल बॉन्ड, ओके। इसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ओके, व्हेन एवर द एटम्स दे कैरी ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एक तीन, okay, so they are known as free radicals, so here it leads to the generation of free radicals, so homolytic cleavage mein hamesha kya generate hote hain, free radicals hote hain, aur koi bhi reaction initiate karne ke liye ye bahut important hote hain, kyunki ye aayenge single hain, highly unstable hain, single hain, inki tendency hai ki hame ek electron mil jaye aur hum kisi ke sath bonding kar sakte, ओके okay? तो आपने अगर कोई भी रिएक्शन इनिशिएट करनी है, स्टार्ट करनी है, तो दे आर द बेस्ट फॉर द रिएक्शन इनिशिएशन, ठीक है। इनको इंट्रोड्यूस करो और रिएक्शन ये अपने आप इनिशिएट कर देते हैं, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दे विल दे वांट टू एक्वायर स्टेबिलिटी और दे वांट टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर्स, ओके, समझ आ गया। तो ऐसे ही अगर हम सीएल सीएल बॉन्ड की क्लीवेज की बात करते हैं, और एरोज अभी आपने ऐसे डालनी है, सिंगल सिंगल एरोज डालनी है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ओके। सो हियर यू विल बी गेटिंग दीज फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन, तो इसको हम क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते हैं, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द हेट्रोलिटिक फिशन, सेम है, एक बॉन्ड है, उसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वी आर हैविंग वन बॉन्ड एंड दैट वन बॉन्ड इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अब हेट्रोलिटिक फिशन में ऐसा नहीं होता, सिंगल सिंगल डिवीजन नहीं होती है, हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज एंड वन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या कर लेगी, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखेगी, ड्यू टू विच इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड सेम फॉर द ए। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो ए है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, सो दैट्स व्हाई इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लियर यहां तक, समझ आ गया,
ओके सो जैसे मैंने अभी आपको बताया है अबाउट द फ्री रेडिकल्स, दे आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. इन द सेम वे व्हेनेवर द रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस, दे कंटिन्यू और दे प्रोसीड, दे गिव राइज टू मेनी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स का क्या होता है, मतलब आपके पास कोई रिएक्शन है, आप डायरेक्टली ए और बी को सपोज आप रिएक्ट करवा रहे हैं, दिस इज नॉट द थिंग कि आपके पास डायरेक्टली सी बन जाएगा. ऐसे रिएक्शंस नहीं प्रोसीड होती है. हम आपको लिखवाते हैं बट एक्चुअली रिएक्शंस ऐसे प्रोसीड नहीं होती. आप छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो, ए और बी को प्लस किया तो सी बन गया, ओके. बट एक्चुअली सी की फॉर्मेशन से पहले देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर फॉर्म, ओके. सी की फॉर्मेशन से पहले इन बिटवीन ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है. ऐसी चीजें जो हैं वो फॉर्म होती हैं, उनकी फॉर्मेशन के बाद ही जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता, ओके. पहले वो फॉर्म होंगी, उसके बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है द सी, इट विल बी फॉर्म. तो ये जो इन बिटवीन वाली चीजें जो फॉर्म हुई हैं, दे आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. समझ आया, ओके. कोई भी रिएक्शन जब हम प्रोसीड करवाते हैं, ये नहीं है कि एज सून एज यू मिक्स ए एंड बी तो सी आपके पास बन जाएगा, नो. ओके, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सी देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, मेनी मेनी सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, दे आर एक्चुअली फॉर्म, राइट. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट, कोई ग्रुप ऐड होगा, कोई माइनस होगा, ठीक है. किसी ने इलेक्ट्रॉन लेना है, किसी ने देना है, तो ये सारी चीजें जो है दे आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ओके. तो पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं और उसके बाद जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं. अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को. मैंने आपको हर एक स्ट्रक्चर में एरोस की ट्रांसफरेंस बताई है, शिफ्टिंग बताई है, तो आप उसको एक तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो. जैसे वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूट 1,3-diene, दी थी मैंने आपको कल एग्जाम्पल. उसमें आपने एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाला था, राइट, और एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला था, ऐसे किया था ना. अब अगर मैं सीधा लिख दूं ब्यूट 1,3-diene से आपका फाइनल प्रोडक्ट लिखूं, तो आपको समझ आएगा कि वो कैसे बना है. अगर यहाँ पर मैंने ब्यूट 1,3-diene लिखा, इसके बाद में डायरेक्टली आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट इज सी लिख रही हूँ, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये कैसे लिखा. नहीं, तो मुझे पहले ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना, कि मैंने ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट किया इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये वाला बॉन्ड जो था वो इधर शिफ्ट हुआ इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाली जो स्पीशीज आ रही हैं, दे आर व्हाट, दे आर योर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है. पहले ये बनी, इसके बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुआ. अंडरस्टूड नाउ, ओके. तो फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कार्बोकेटायन. द फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट वी विल स्टडी इज कार्बोकेटायन. नाम से ही पता चल रहा है, कार्बो, कार्बो का मतलब कार्बन, केटायन का मतलब द थिंग्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज, उनको हम केटायंस कहते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, कार्बोकेटायन. तो इसमें से यू कैन क्लियरली सी दिस कार्बन, इट इज बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या है, दिस कार्बन इज एक्चुअली अ कार्बोकेटायन. व्हेनेवर द कार्बन एटम इट बियर्स अ पॉजिटिव चार्ज, दैट ग्रुप ऑफ एटम और दैट कार्बन एटम इज नोन एज कार्बोकेटायन. अब आप देख सकते हो कार्बोकेटायन से दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेंस के बाद जो फॉर्म होगा. देखिए दिस कार्बन इज कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको हम कार्बोकेटायन कह रहे हैं. अब मुझे ये बताओ इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दिस कार्बन एटम इज हैविंग? सी एच टू कार्बन, जो ये मैंने ग्रुप लिखा हुआ है, दिस ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा इसके पास? इतना टाइम, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं इसमें? थ्री बॉन्ड्स बनाए हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? दो लगते हैं। तीन बॉन्ड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सही, छह इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस कार्बन इज हैविंग द सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ। ठीक है, सो दैट मींस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोकैटायन, देन दैट कार्बन विल बी हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट मींस इट विल बी हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स शेल। ओके, तो छह इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो इसकी ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी बन जाती है, that is sp2 hybridized where this p orbital is vacant। ठीक है, यहाँ पर दो hydrogens लगा देते हैं और ये वाला bond जो उसने carbon के साथ बनाया है, ये वाला bond हम show करते हैं। okay, ये दोनों hydrogens के साथ है, this orbital is empty क्योंकि यहाँ पर जो electrons थे वो तो ये वाला carbon ले गया ना, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे डबल बॉन्ड के साथ वो ये वाला कार्बन तो ले गया, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, दिस इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ओके, दिस इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल और इसके साथ एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो लगा हुआ है, तो वो हमने ड्रॉ किया। तो ये बहुत फेमिलियर ज्योमेट्री है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन के साथ, 120 डिग्री एंगल है ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है, तीन वाली जो ज्योमेट्री है आपको, और ये वाले कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, वेयर देयर आर थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, ये तीन सिग्मा बॉन्ड्स हो जाते हैं, this is one unhybridized or empty p orbital where the carbon is carrying a positive charge with the bond angle of 120 degree। okay, aage likhiye types of carbocations, next is types of carbocations। ab ye cheez bahut bahut important hai, अगेन यू विल बी यूजिंग दिस, so these both forms they representing the primary form of carbocation, okay, this is secondary carbocation and this is tertiary carbon। so primary carbocation kya hota hai? the carbon that is bearing positive charge, it is attached to only one carbon atom, kyunki yahan par bhi carbon ka ek simplest structure hai to isko bhi hum primary structure mein hi include karenge। Okay, so here also the carbon that is carrying the positive charge and there is no methyl group, that is also a primary structure। Okay, so these both are primary carbocation। When the carbon atom bearing the positive charge, it is further attached to two methyl groups or two carbon atoms, that is secondary structure, secondary carbocation। When the carbon atom bearing the positive charge, it is further attached to three carbon atoms, this is the tertiary carbocation। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब हमने बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर,
पहले मुझे ये बताओ हाउ स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी दे आर इंटर रिलेटेड. हाउ स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी दे आर रिलेटेड. रिवर्स रिलेशन है, जो ज्यादा स्टेबल है वो लेस रिएक्टिव है, जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे मैंने अभी आपको फ्री रेडिकल की एग्जांपल दी. फ्री रेडिकल्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर अनस्टेबल. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर रिएक्टिव. वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई एक जो है वो बॉन्डिंग आके करे, हमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है हमारा उसको किसमें चेंज कर दे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कर दे. ओके, सो देयर इज रिवर्स रिलेशन बिटवीन द रिएक्टिविटी एंड द स्टेबिलिटी. तो अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं तो प्राइमरी की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. ओके, और अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो वो इससे रिवर्स हो जाएगा. इफ आई राइट डाउन द स्टेबिलिटी ऑर्डर तो वो इसका रिवर्स होगा. दैट मीन्स टर्शियरीज दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी. अब ये मैंने कैसे कहा है, राइट डाउन. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन द केस ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये है आपके पास, दिस इज द प्राइमरी. This is the secondary structure. हाँ जी ठीक है बेटा. And if I talk about the tertiary structure, so that is the tertiary structure. Out of primary, secondary and tertiary, which will be more stable? यहाँ पे hydrogen आ रहा है. हाँ जी, which will be more stable? इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस में? तीन हाइड्रोजन्स हैं तो तीन, ये तीन और तीन छह, तीन तीन छह तीन नौ. हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? नाइन सिक्स एंड थ्री. विच इज मोर स्टेबल? टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो इसलिए मैंने स्टेबिलिटी किसकी कहा है? अब इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ. Draw the no bond resonating structures for this primary carbocation. बनाइए. इसमें दो हाइड्रोजन इंक्लूड कर. एक बॉन्ड हटाओ यहां से. This bond you have to transfer between this, ठीक है? और ये वाले हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचेगा फिर. So your first structure will be C double bond C. ये H आ गया, ये H आ गया यहाँ पर. Here it is H. First structure. Similarly you can draw for this hydrogen and similarly you can draw for this hydrogen. बन गए? बन गए हैं? हाँ जी क्लियर हो गया बेटा. तो यही है कार्बन, अभी बताया तो था, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो है. स्ट्रक्चर में क्या कहा था मैंने, जो पॉजिटिव वाला है उसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, एक बॉन्ड उसने और दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है, और एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड भी ऑर्बिटल है. तो तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यही तो भी स्ट्रक्चर में बताया था मैंने, ठीक है. हाँ जी हो गया बेटा. सो इन दिस कंटेक्स्ट टर्शियरी इज मोर स्टेबल. नाउ राइट डाउन सेकंड वन, इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट,
दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहां पर इफेक्ट कौन सा ऑपरेट होगा, प्लस आई और माइनस आई, विच इफेक्ट विल बी ऑपरेटिंग हियर? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये कार्बन की टेंडेंसी है कि मेरा चार्ज जो है वो कम हो, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो उसकी क्या टेंडेंसी है कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो कंपेंसेट हो किसी के साथ, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, ठीक है, मेरे चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स कर। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा विद द अल्काइल ग्रुप्स? अल्काइल ग्रुप्स ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, तो देगा तो सब में, इसने भी देने हैं, इसने भी देने हैं, इसने भी देने हैं, बट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? टर्शरी की, क्योंकि इसमें तीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो ज्यादा उसका चार्ज जो है वो कंपेंसेट कर रहे हैं। यहाँ पर दो लगे हुए हैं और यहाँ पर एक ग्रुप लगे, ठीक है, सो दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? Now next write down कार्बेनायन। जैसे आपने कार्बोकेटायन बनाया है, अब वैसे ही कार्बेनायन बनाएंगे। So for the formations of these intermediates, you can consider any of the reactions जो हमने की हुई हैं। कार्बोकेटायन की जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, वैसे ही कार्बोकेटायन की एग्जांपल लिख रही हूं मैं। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास ऐसी कोई एग्जांपल है, ये सीएल ने अपना बॉन्ड ले लेना है एंड व्हेन द सीएल इज गोइंग टू टेक इट्स बॉन्ड, तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग कार्बोकेटायन। ठीक है, तो मैंने आपको ब्यूटाडाइन की एग्जांपल दी है, वैसे ही आप ये वाली एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन विच द कार्बोकेटायन्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, अब कार्बेनायन बनाना है, तो कार्बेनायन, व्हाट इज कार्बेनायन? व्हेन द कार्बन इट कैरीज द नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज कार्बेनायन। तो अब नेगेटिव चार्ज वाली रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज आई एम हैविंग एनी एल्डिहाइड ग्रुप हियर, इस बॉन्ड को मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, CH3 को, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इसने इधर शिफ्ट कर दिया है, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। ओके, या इधर भी नहीं शिफ्ट करते हैं, सिंपली ये बॉन्ड इसने इसको दे दिया, क्योंकि हमने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना है ना, तो ये बॉन्ड इसने इसको दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम OH नेगेटिव आयन। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज था, तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, या डबल बॉन्ड ही रहने दो, ठीक है, दिस इज द कार्बेनायन। सिंपली क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, वो कहता हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड थे उसने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए हैं, हेयर द कार्बन इज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये OH जो है वो हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में अगर काउंट करके मुझे बताओ तो Whenever we write negative charge or lone pair, they are same. That means उसके पास extra electrons हैं, ठीक है? Negative charge is also representing the electrons. 8 electrons. Now this carbon is having 8 electrons in its shell, ठीक है? So whenever we are going to form a carbanion, then there is a formation of one. Then there is a 8 electrons in its valence shell. Okay? अब structure बनाते हैं.
देखो ये वाला सी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर। ओके, बाकी कितने बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं? दो और एक, तीन बॉन्ड्स बनाए हैं। पहले वो एम्प्टी था इसीलिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी ज्योमेट्री में, बट हमने ये पढ़ा हुआ है व्हेन एवर वी आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दे कॉज रिपल्शन विद द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री तो हिलेगी, अब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना, क्योंकि पहले जो p ऑर्बिटल था वो खाली था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। सो दैट्स व्हाई वी सिंपली राइट द ज्योमेट्री ऑफ sp2। बट अब इसमें क्या होगा? हाँ जी, इसमें क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है दैट इज गोइंग टू क्रिएट रिपल्शन विद द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो द ज्योमेट्री विल बी चेंज्ड नाउ। सो विच ज्योमेट्री वी आर टॉकिंग अबाउट? बहुत फेमिलियर ज्योमेट्री है ये, sp3 तो है ज्योमेट्री का नेम। अमोनिया की ज्योमेट्री कौन सी है? अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और तीन हाइड्रोजन लगाए हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है अमोनिया का ज्योमेट्री? हाइड्रोजन में चार बॉन्ड पेयर होते हैं, यहाँ पर चार बॉन्ड पेयर नहीं है। पिरामिडल स्ट्रक्चर नहीं बताया हुआ है? पिरामिड नहीं बन रहा, पिरामिड नहीं बन रहे, पिरामिडल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल होता तो ऐसे होता था। यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया ना, तो दैट इज रिप्लेस्ड विद द पिरामिडल स्ट्रक्चर।